यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में आगामी बुधवार को सीटू सहित करीबन आधा दर्जन संगठन मिलकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली निकालेंगे। आंदोलन का मकसद महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर रोक लगवाना, मनरेगा को प्रदेश भर में लागू करना, साल में न्यूनतम 250 दिन का काम रूसा खत्म हो, उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि और निजी स्कूलों की लूट बंद हो। सीटू के महासचिव जोगिंद्र ने हमीरपुर में कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार देश में जो नवोदार की नीतियां लागू कर रही है उनसे केवल पूंजीपतियों को ही फायदा होगा और आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि देश में मोदी सरकार बनने के बाद किसानों की आत्महत्या करने के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, साथ ही अब तक देश से करीबन 1 करोड़ रोजगार समाप्त हो चुके हैं। तेईस मई को हमीरपुर में गांधी चौक पे एक बहुत विशाल रैली होगी जिसमें पूरे देश के पैमाने पर जितने भी वामपंथी संगठन हैं मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर और जिस तरीके की नीतियों ने अपनाई हैं उसके चलते देश में हर आधे घंटे के अंदर ये किसान आत्महत्या कर रहा है और कहीं रोजगार बचा नहीं है और पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत बुरे तरीके से असफल हो रही है और इन नीतियों के चलते जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं अब निजी हाथों में ठेके पर कंपनियों के हवाले किया जा रहा है।